ये आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है। आप अगर मैं बात करूं कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट क्लास में 6 साल से पहले जो बच्चों की जिनकी एज नहीं हुई है, जो ऑलरेडी इनरोल में है, उनकी बच्चों की जो एडमिशन है वो नहीं हो रही। आज माँ बाप जो है वो रोडों पे आए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो गूगल में सर्च मार के ये भी कन्फर्म नहीं कर पाई कि टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप न्यूज़ देखें सेक्शन 18 के हिसाब से गोवा में भी 2025-26 को फर्स्ट क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑर्डर की वो फर्स्ट क्लास की 2025-26 में होगी, ताकि जो इनरोल में बच्चे हैं उनकी एडमिशन में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र जो है वो LG को नालायक सिद्ध करना चाहते हैं या फिर LG को हटाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे जबरन ऑर्डर जो है वो पेरेंट्स पे थोपे जा रहे हैं, स्कूलों पे थोपे जा रहे हैं, और स्कूल जो है पेरेंट्स के बच्चों की एडमिशन नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताइए माँ बाप का क्या कसूर, जो 2010 का एक्ट SRO 123 ये कहता है कि कोई भी एज जो है उसमें भी नहीं दी गई थी। तो इन माँ बाप का क्या कसूर है जो अपने बच्चों के लिए आज सड़कों पे खड़े हैं, अपने काम काज छोड़कर, भूखे प्यासे अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर आज ये यहाँ पे आके खड़े हैं। ये LG एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, जो 2025-26 में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो आज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो हम स्वीकार नहीं करेंगे।